नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस प्रेरित मामलों की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई जगहों पर छापे मारे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जर्मनी की प्रमुख कार कंपनी फोक्सवैगन की डीजल कारों में चिट डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए कल तक 100 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार के लाइसेंस और कामकाज पर लगाई गई शर्तों में छूट दी। और मेघालय में नौसेना के गोताखोरों ने खदान में फंसे खनन कर्मियों में से एक का शव बरामद किया। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में आज हेलीपैड मैदान पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसे देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी माना जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली इस सबसे बड़ी प्रदर्शनी में बायर सेलर्स मीट, रिवर्स बायर सेलर्स मीट और वेंडर्स डेवलपमेंट कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। इस प्रदर्शनी में 25 से अधिक बिजनेस सेक्टर्स प्रदर्शित किए जाएंगे। 3000 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के साथ कुल 15 लाख लोग इस प्रदर्शनी का मुलाकात लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में 750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अति आधुनिक SVP इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बाद में प्रधानमंत्री साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शॉपिंग उत्सव का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9वीं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर बैठक 2019 का उद्घाटन करेंगे। वे शिखर बैठक स्थल पर प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी एक बैठक करेंगे। 3 दिन की शिखर बैठक में 2 देशों के राष्ट्रपति, 4 देशों के प्रधानमंत्री और कई देशों के प्रमुख कारोबारी भाग ले रहे हैं। इस वर्ष शिखर बैठक में 15 भागीदार देश और 11 अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 2 दिवसीय गांधीवाद पुनरुत्थान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, ये सुखद संयोग है कि कुंभ के आयोजन के साथ हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बापू के इस 150वीं जयंती वर्ष के इस कार्यक्रम में कुंभ परिसर में भी आयोजित करने के लिए परिवार परमार्थ निकेतन, अर्जन सेवक संघ, ग्लोबल इंटरफेथ बास अलायंस एवं गंगा एक्शन परिवार के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। और सचमुच में मैं इसको देख रहा था कि ये 4 संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और कुंभ की भी कल्पना जो है वो एक मिलन की है। इस सम्मेलन का आयोजन परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ वॉश ने संयुक्त रूप से किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संगम एक चुंबक की भांति है। कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है, ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है नहीं हम चले हैं, चलना है चलना है, और आते हैं संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र बन गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रयागराज में कुंभ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और लुधियाना में आईएसआईएस से प्रेरित मामलों के लिए तलाशी अभियान चला रही है। ये तलाशी मेरठ और बुलंदशहर में भी चल रही है। एजेंसी ने पिछले महीने भी अपनी जांच के क्रम में दिल्ली, अमरोहा, लखनऊ, मेरठ, हापुड़ और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें ग्रुप का मुखिया भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप की योजना राजनीतिक व्यक्तियों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाके में कथित आतंकवादी घटना को अंजाम देने की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक आलोक वर्मा के स्थानांतरण के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाने पर कांग्रेस की आलोचना की है। एक फेसबुक पोस्ट में जेटली ने कहा कि समिति के समक्ष एकमात्र प्रश्न ये था कि क्या श्री वर्मा के स्थानांतरण के लिए कोई ठोस कारण है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जांच एजेंसियों को पारदर्शी बनाए रखने को
सुनिश्चित करे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कार बनाने वाली जर्मनी की प्रमुख कंपनी फॉक्सवैगन की इस बात के लिए कड़ी निंदा की है कि उसने 16 नवंबर 2018 के आदेश के अनुसार 100 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। NGT ने आज इस कंपनी को निर्देश दिया कि वो 24 घंटे के भीतर ये राशि जमा करे। NGT के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी से कहा कि वो लिख कर दे कि उसके द्वारा कल शाम 5 बजे तक ये राशि जमा कर दी जाएगी। पीठ में शामिल न्यायाधीश SP वांगड़ी ने फॉक्सवैगन से कहा है कि वो धनराशि जमा करने के बाद आदेश का पालन करने के बारे में हलफनामा भी पेश करे। पिछले वर्ष 16 नवंबर को NGT ने कहा था कि भारत में डीजल कारों में फॉक्सवैगन ने जिस चिप डिवाइस का इस्तेमाल किया है उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बारों को लाइसेंस देने और उनके कामकाज को लेकर कुछ पाबंदियां लगाने के कानून की कुछ धाराओं को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र के 2016 के कानून की ऐसी धाराओं को रद्द किया जिनमें डांस बारों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाने और बार के कमरों तथा नृत्य वाली जगहों के बीच विभाजन जैसी धाराएं शामिल थीं। उच्चतम न्यायालय ने उस धारा को भी खारिज कर दिया जिसके तहत व्यवस्था थी कि हर हालत में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं से 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बारों का समय शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक रखने की शर्त को उचित ठहराया। बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने बच्चियों के यौन दुराचार के मामले में 4 से अधिक आश्रय गृहों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। CBI ने मुंगेर में 2 तथा गया और भागलपुर में 1-1 आश्रय गृहों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में यौन दुराचार मामले में चल रही जांच से यह अलग मामला है। प्राथमिकी के अनुसार इन आश्रय गृहों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के अलावा ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। वे आज नई दिल्ली में टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसे प्रसारण इंजीनियरिंग सोसाइटी BES ने आयोजित किया है। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्र नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस अवसर पर ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा ने कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास हो रहा है और उपभोक्ताओं के सामने अपनी पसंद की सामग्री और चैनल चुनने का अवसर है। ब्रॉडकास्ट मीडिया इज अ पावरफुल पर्वेयर ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज एंड प्लेज अ पिवोटल रोल इन नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, नर्चरिंग एंड कल्टिवेटिंग डाइवर्स ओपिनियंस एंड स्पेशली इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाइक आर्स and educating and empowering the people which are must in a democratic society. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने पार्टी की युवा मोर्चा टीम को विजय लक्ष्य 2019 अभियान के लिए बधाई दी। इस अभियान के तहत लोकसभा के अगले चुनावों में भाजपा को भारी जीत दिलाने के लिए युवा मोर्चा देशभर में युवाओं को बड़े पैमाने पर जागरूक करेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष पूनम महाजन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर से आज युवा लक्ष्यम 2019 की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि वो विकास के लिए मतदान करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 2 दिन के दौरे पर आज पटना पहुंचा। 11 सदस्यों के इस दल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों से बातचीत की। इस दल ने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश भी दिये।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज सुबह मुंबई में 10वें इंडिया रबड़ एक्सपो 2019 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रबड़ उद्योग तेजी से आगे बढ़ता रहेगा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, निर्यात बढ़ाएगा और देश के आर्थिक विकास में योगदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ट्रेन में अकेले सफर करना सुरक्षित है क्या? हाँ बिल्कुल, 182 है ना। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो तो डायल करो 182। और अगर पर्स या कुछ कीमती सामान चोरी हो जाए तो डायल करो 182। और कोई ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे अपना सामान भूल जाए तो? अरे भाई सबके लिए 182। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त कोई करे परेशान या चोरी हो जाए कुछ कीमती सामान या फिर भूल जाए आप अपना सामान, तो याद रखें रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 182 जिसपे होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। मेघालय में भारतीय नौसेना के गोताखोरों को पूर्वी जयंतिया हिल्स की खान में एक खनन कर्मी के शव का पता चला है। एक ट्वीट में भारतीय नौसेना ने कहा कि यह शव खान में काफी नीचे फंसा हुआ था। पूर्वी जयंतिया हिल्स के लुमथारी गांव में पिछले वर्ष 13 दिसंबर को लिटियन नदी का पानी कोयला खदान की सुरंगों में फैल गया था। इसकी वजह से खदान में 15 खनन कर्मी फंस गए थे। अन्य खनन कर्मियों का पता लगाने के लिए भारतीय नौसेना, राष्ट्रीय आपदा राहत बल और उड़ीसा की अग्निशमन सेवा के अधिकारी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले से लश्कर ए तैयबा के एक स्थानीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि उसे कुलगाम के चहलान गांव से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गोलपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उकसावे के हवेली तहसील के रिहायशी इलाके और सेना चौकी को लक्ष्य बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। सीमा पर तैनात सतर्क जवानों ने भी गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया। दोनों तरफ एक घंटे तक गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में एक निर्दोष नागरिक की मौत को लेकर पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की 11 तारीख को संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में भर्ती भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्हें कल स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। एक ट्वीट में पार्टी ने कहा कि श्री शाह की जांच करने के बाद चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। खेलो इंडिया खेलों में महाराष्ट्र 2 और स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर बनाया हुआ है। उसने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही उसके कुल 66 स्वर्ण, 51 रजत और 62 कांस्य पदक हो गए हैं। दिल्ली 47 स्वर्ण, 31 रजत और 43 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 38 स्वर्ण, 36 रजत और 48 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान पर है। एक रिपोर्ट। खो खो की अंडर 17 प्रतियोगिता में दोनों स्वर्ण पदक आज महाराष्ट्र ने जीते। महाराष्ट्र की लड़कियों ने दिल्ली को 19-17 से हराया। लड़कों ने आंध्र प्रदेश को 19-8 गुणों से पराजित किया। अंडर 17 फुटबॉल की सेमीफाइनल में आज तमिलनाडु के लड़कों ने महाराष्ट्र को 3-2 गोल से परास्त किया। पंजाब ने भी महाराष्ट्र को 3-1 से हराकर अंतिम मैच में अपना स्थान निश्चित किया। ओडिशा की लड़कियों ने मणिपुर को 2-1 से मात दी। हॉकी अंडर 17 सेमीफाइनल में आज झारखंड ने ओडिशा को 4-2 से तथा हरियाणा ने पंजाब को 4-0 से हराया। आज दिनभर में खो खो अंडर 21 के फाइनल्स तथा कबड्डी, फुटबॉल और अंडर 21 लड़कियों के हॉकी सेमीफाइनल्स मुकाबले होंगे। नितिन केलकर, आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक नीलम कपूर के साथ साक्षात्कार प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस प्रेरित मामलों की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई जगहों पर छापे मारे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जर्मनी की प्रमुख कार कंपनी फोक्सवैगन की डीजल कारों में चिप डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए कल तक 100 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार के लाइसेंस और कामकाज पर लगाई गई शर्तों में छूट दी है। और मेघालय में नौसेना के गोताखोरों ने खदान में फंसे खनन कर्मियों में से एक का शव बरामद कर लिया है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।